आजकल लोग बैंक लोन के लंबे पेपर वर्क और भागदौड़ से बचने के लिए मोबाइल ऐप से लिए गए इंस्टेंट लोन का सहारा ले रहे हैं। ये मोबाइल ऐप्स आपको इंस्टेंट लोन यानी कि फटाफट लोन प्रोवाइड भी करा देंगे, लेकिन ये लोन लेना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इनकी जो ब्याज की दरें और जो वसूली के तरीके होते हैं, इनसे आप हर दिन उलझते चले जाते हैं, आपका कर्ज हर दिन बढ़ता चला जाता है और साथ ही साथ आपको अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ सकती है। रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई है, आपने सुना होगा शायद, भोपाल में रह रहे निशांक राठौर की। निशांक राठौर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो कि केवल 20 साल का था। उसने हाल ही में सुसाइड कर लिया है और उसके पेरेंट्स को कानों कान तक खबर नहीं थी कि उनका बेटा जो है ऑनलाइन ऐप से लिए गए लोन में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा और उसने सुसाइड कर लिया। तो चलिए जानते हैं इस पूरे केस के पीछे छुपे हुए मामले को। और पहले ये केस काफ़ी मिस्टीरियस था, काफ़ी रहस्यमय था, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि उसका मर्डर किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश के भोपाल में रह रहा निशांक राठौर, जो कि केवल 20 साल का था, वहाँ के ओरिएंटल कॉलेज से बीटेक कर रहा था, उसका 5th सेमेस्टर था। हाल ही में उसकी डेड बॉडी नर्मदापुरम रेलवे ट्रैक के पास मिली और उसकी डेथ के 10 मिनट पहले उसके पेरेंट और उसके फ्रेंड्स के पास एक मैसेज गया था उसकी फ़ोटो के साथ। उसकी इंस्टा आईडी में उसने एक स्टोरी लगा रखी थी एक्चुअली, और उसी का स्क्रीनशॉट उसके पेरेंट्स यानी कि उसके पिता पर, उसके फ्रेंड्स पे गया, जिसपे लिखा हुआ था कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सिर तन से जुदा। उसके बाद उसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसका मर्डर किया गया है। एक्चुअली दोपहर के 3 बजे से ही निशांक राठौर जो है वो घर से गायब रहता है और उसका फ़ोन मिलाने पे भी वो नहीं पिक करता है और ना ही कोई मैसेज का रिस्पांस देता है। और इसके पीछे की जो वजह थी वो जेन्युइन भी थी, उनका परेशान होना वाजिब था। एक्चुअली 3 बजे के कुछ मिनट पहले आप कह सकते हैं निशांक ने एक स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे और उसकी फ़ोटो के साथ लिखा हुआ था कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सिर तन से जुदा। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि देख लो सारे हिंदुओं, जो ऐसा करेगा उसका यही हाल होगा। तो जाहिर सी बात है इस पे कोई भी होगा घर वाले परेशान ही हो जाएंगे, उसके फ्रेंड्स तक भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उसके पिता जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद जो पुलिस है बिल्कुल तलाश में जुट जाती है और शाम के 6:10 पे एक न्यूज़ सामने आती है कि नर्मदापुरम रेलवे ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिली है, यानी कि एक व्यक्ति मिला है जिसका पूरा पैर कट चुका है और उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो पुलिस है वो बुलाती है निशांक राठौर के पेरेंट की, क्योंकि उन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बुलाती है, उसके पेरेंट्स आते हैं, पहचानते हैं तो वो निशांक राठौर ही निकलता है, यानी कि उसी की वो डेड बॉडी रहती है। उसके बाद पुलिस उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तलाश में जुट जाती है। वहीं पे पास में ही निशांक राठौर की एक स्कूटी और उसका मोबाइल फ़ोन भी मिलता है। जब मोबाइल फ़ोन पुलिस चेक करती है तो उसी के नंबर से ये मैसेज भेजा गया था उसके पिता को कि राठौर साहब, उसके पिता का नाम उमा शंकर राठौर होता है, राठौर साहब आपका बेटा जो है वो काफ़ी बहादुर था, और उसके नीचे ये लिखा होता है कि गुस्ताखे नफी की एक ही सज़ा, सिर तन से जुदा। उसके पापा का ये कहना है कि उनका बेटा काफ़ी मस्त मौला टाइप का इंसान था, वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता था। पुलिस को स्टार्टिंग में सुसाइड ही लग रहा था, लेकिन ये मैसेज देखने के बाद पुलिस जो है दूसरी तरफ, किसी का भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ऐसा मैसेज देखने के बाद, खास करके उस टाइम में जब ये सिर तन से जुदा आप कह सकते हैं एक गैंग टाइप का चल रहा है। तो ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पुलिस भी इसकी तलाश में जुट जाती है, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, मोबाइल फ़ोन को भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज देती है। उसके बाद जो मामला सामने आता है वो आता है सुसाइड का। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले जो निशांक राठौर है वो इंटरनेट पे कुछ इसी टाइप की चीज़ें सर्च करता रहता था, ये जो आप सिर तन से जुदा टाइप जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें सर्च करता रहता था गूगल पे, और वो काफ़ी परेशान रहता था। वो 1 महीने या 2 महीने पहले से ही आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो सैड टाइप के जो स्टेटस होते हैं, मैसेजेस वो लगाया करता था, जिसको देख करके लोगों को लगता था कि काफ़ी परेशान है। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऑनलाइन ऐप से लिए गए लोन के कर्ज में डूबा हुआ है। हालांकि उसके एक फ़ोटो पे एक फॉलोअर का आप कह सकते हैं कि कॉमेंट था जिसपे लिखा हुआ था कि उधार चुकता किए बिना मरना मत, लेकिन फिर भी किसी का दिमाग उस चीज़ पर नहीं गया।
रिपोर्ट सामने आती है, रिपोर्ट से पता चलता है कि निशांक राठौर जो है कई सारे और तलाश से भी पता चलता है कि निशांक राठौर जो है कई सारे उसने ऑनलाइन ऐप से कर्ज लिया था, यानी कि लोन लिया हुआ था और उन्हीं सारे कर्ज से वो डूबा हुआ था और कई सारे उसको धमकी भरे कॉल्स आते थे। तो इससे ये पता चल गया कि निशांक राठौर का मर्डर नहीं यानी कि सुसाइड किया गया था और निशांक ने ही मरने से पहले अपने पिता को और अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज किया था। हालांकि ये बात नहीं पता चल सकी है कि निशांक को जब सुसाइड ही करना था तो उसने इस टाइप के मैसेजेस अपने फादर को और उसने अपने फ्रेंड्स को क्यों फॉरवर्ड किए। अब जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन ऐप से लिए गए लोन का क्या मामला है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में लगभग 1000 ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि लोगों को मोबाइल ऐप जो कि लोगों को ऑनलाइन और कई सारे प्ले स्टोर में ऐसे ऐप्स जो हैं मौजूद हैं जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। लोग पैसे से जाहिर सी बात है परेशान होते ही हैं और ख़ास करके युवा जो आप कह सकते हैं यंग जनरेशन है वो लोग ही ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई सोशल मीडिया या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस टाइप की कई सारे एडवर्टीजमेंट मिलेंगे जिसमें आपको इंस्टेंट लोन का एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा। लोग इसी चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो लगभग 1000 ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें से जो मोस्ट ऑफ द ऐप्स आर चाइनीज़, जिसमें से ज़्यादातर ऐप्स जो हैं वो चाइनीज़ होते हैं। अब वो आपको किस तरीके से फंसाते हैं और ये केवल निशांक राठौर की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई की भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक 20 साल की एक लड़की होती है, उसको भी इसी तरीके से उसने लोन लिया होता है और धमकी भरे उसको कॉल्स आते हैं। फिर उसके बाद हालांकि उसने पुलिस में रिपोर्ट कराई और उसको इससे फ़ायदा मिला, लोगों उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई उन लोगों के खिलाफ जिनसे वो कॉल्स आया करते थे, जिनसे उसको धमकी मिला करती थी। लेकिन निशांक राठौर का दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया और उसने सुसाइड तक का इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो चलिए जानते हैं कि ये चाइनीज़ जो ऐप्स हैं, ये जो ऑनलाइन ऐप्स की जालसाजी कैसे होती है और ये किस तरीके से आपको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जब आप अपने प्ले स्टोर से किसी भी मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो वो आपकी गैलरी और आपके जो तमाम जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में ऐप्स हैं उनके एक्सेस की परमिशन मांगते हैं और आप उनको परमिट भी कर देते हैं। अब परमिट करने के बाद वो आपके ऐप से जितने भी आपकी गैलरी से फ़ोटोज़ हैं और आपका जो डेटा है आपके मोबाइल में वो सभी चुरा लेते हैं और आपके बिना आपको क्लू मिले आपके फ़ोन में मालवेयर भी जो है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद से ये आपके मोबाइल की जितनी इंफॉर्मेशन है उनके पास पहुँच जाती है, यहाँ तक कि आपकी फ़ोटोज़ तक भी पहुँच जाती है। आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं जितना भी, और ये जो चाइनीज़ ऐप्स और जितने भी ये ऐप्स होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं 5 से 6 हज़ार तक ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। और 5 से 6 हज़ार आप अमाउंट डालेंगे लेकिन उसमें से भी आपको पूरा नहीं मिलता है, आपको मिलता है केवल सपोज़ आपने 6 हज़ार के लिए अप्लाई किया है तो आपको मिलेगा उसमें से 3.5 या 4 हज़ार तक। बाकी के जो हैं वो और डेटा या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह को लेकर के वो उतना पैसा काट लेते हैं लेकिन आपको चुकाना वो पूरा अमाउंट होता है। हालांकि आप परेशान हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके लिए तुरंत आप एग्री कर जाएंगे। आप तुरंत जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो सभी तुरंत आपके फ़ोन में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला, यानी कि शोषण का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 या 2 दिन बाद ही आपको धमकी भरे कॉल्स आने लग जाते हैं। इवन और भी कई सारे 20 से 25 ऑनलाइन ऐप्स मोबाइल ऐप से आपको कॉल आने लग जाएंगे, आप फ़ोन रिसीव करेंगे और वो लोग भी आपको लोन प्रोवाइड कराने की बात करेंगे। हालांकि आप परेशान हैं पैसे से, आपको चुकाना भी है उसका पैसा, तो आप उन सभी ऐप से भी पैसा लेना शुरू कर देते हैं और एक ऐप से दूसरे ऐप, दूसरे ऐप से तीसरे ऐप, तीसरे ऐप से चौथे ऐप से आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं और इनका इतनी तेज़ी से इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है कि कुछ ही दिनों में आप कह सकते हैं कि 1 वीक में ही आपका कर्ज लगभग 50 हज़ार तक भी हो सकता है। अब आप बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद अगर आप इनका तुरंत अमाउंट अगर आप चुकता कर देते हैं, डबल ट्रिपल अमाउंट अगर आप चुकता कर दिए तब तो ठीक, अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके बाद आपकी फ़ोटो को मॉर्फ करके न्यूड फ़ोटो बना करके लोगों तक यानी कि आपके रिलेटिव्स तक, अब आपका डेटा उन लोगों ने चुरा लिया है तो जाहिर सी बात है जितने भी आपके रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड्स के और आपके नोन लोगों के नंबर होंगे वो सभी उनके पास चले जाएंगे।
तो आपकी मॉफ न्यूड फोटो यानी कि बिना कपड़ों की फ़ोटो आपकी जो है उनके पास भेजी जाती है, आपको बुरी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और आपके पास कोई सहारा नहीं बचता है, यहाँ तक कि आप दूसरों तक भी ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस केस में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे आप कह सकते हैं इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट FIR दर्ज कराने के लिए या फिर पुलिस तक भी रिपोर्ट करने के लिए कई सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप नंबर करके उन्हें सूचना दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। साइबर क्राइम का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये उलझाते हैं आपको अपने चंगुल में और आप उलझते चले जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म जरूर करें और अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी को भी आपको लगता है कि अगर आप इतनी बुरी तरीके से उलझे हुए हैं और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं, उन्हें इन्फॉर्म करें, ज़रूर ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत भी है तो कई सारे आपके नोन लोग हैं, आप उनसे एक बार बात करके देखिए, कुछ नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, पेरेंट्स से बड़ा आप कह सकते हैं वेल विशर कोई नहीं होता है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप काफ़ी प्रेशियस हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं जिनसे उन्हें काफ़ी दुख हो और वो जिंदगी भर एक तरीके से मन में उनके एक रह जाए कि उनका बेटा जो है पैसे की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। ऐसे इंसिडेंट्स आजकल आए दिन होते जा रहे हैं, तो आप इन ऑनलाइन ऐप से लिए गए लोन के फ्रॉड से बचें और दूसरों को इन्फॉर्म जरूर करें ताकि आपको हेल्प मिल सके। इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा आप यंग जनरेशन है वही इन सभी चीज़ों का सहारा लेते हैं, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके और लोग अवेयर हो सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिए, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।